बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पेपर हैकर में। आज हम बात करने वाले हैं BSc 5 सेमेस्टर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर के बारे में। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि मैं आपको बहुत ही जल्दी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड कराऊंगा 5 सेमेस्टर के, तो आज की इस वीडियो में हम BSc 5 सेमेस्टर के बॉटनी के फर्स्ट पेपर की बात करेंगे। जैसे कि यदि आप 5 सेमेस्टर में हैं तो बॉटनी के दो पेपर होंगे, एक तो फर्स्ट होगा और दूसरा होगा सेकेंड, ठीक है। तो ये अलग अलग डे होंगे, मतलब अलग अलग दिन होंगे, ऐसा नहीं एक ही दिन दोनों पेपर हो जाएंगे, अलग अलग दिन होंगे, ठीक है। अब इसमें इस पेपर का जो नाम हो जाएगा वो हो जाएगा पादप क्रिया विज्ञान उपाध्याय एवं जैव रसायन, इस तरीके से होगा पेपर का नाम हो जाएगा ये पूरा, ठीक है। अब मैं इसमें से आपको कुछ क्वेश्चन देने वाला हूँ, 15 से 16 क्वेश्चन आप याद करके 85% प्लस लाने वाले हैं, मतलब कह सकते हैं 85% प्लस। इनने आपने इन क्वेश्चन को रट लिया तो मैं कह सकता हूँ कि आपको फेल करने वाला कोई पैदा नहीं होगा आपकी यूनिवर्सिटी के अंदर, ठीक है, क्योंकि ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट मुझे बार बार कॉल करके कह रहे थे सर कब तक आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले हैं। तो देखिए भाई साहब, आपको पता है कि कोई भी क्वेश्चन को बनाते हैं ना तो उसमें टाइम लगता है, और टाइम ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे बना के दे देंगे। हम बहुत सारे क्वेश्चनों को लिखते हैं, उसके बाद में उन क्वेश्चनों में से देखते हैं कि कौन से क्वेश्चन महत्वपूर्ण है जो हमारे स्टूडेंट के लिए इंपोर्टेंट होने वाले और एग्जाम में पूछेगा एग्जामर, ये भी तो जरूरी है ना, तो हम वही क्वेश्चनों को लेके आए। चलो स्टार्टिंग करते हैं, तो बॉटनी को अपने ओपन कर लीजिए। देखिए मैंने क्या है नोट्सों को डाल रखा है, नोट्स को फ्री में आप देख सकते हैं एंड पेड भी दे रखे हैं, मतलब पैसे paperhacker.in पर जाकर के, paperhacker.online पर जाकर के, मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, एप्लीकेशन भी बना रखी है, तो कोई दिक्कत नहीं है। एक बार हम चेक कर लेते हैं कैसे जाना होगा, तो सबसे पहले आपको जाना होगा हमारे paperhacker.online वेबसाइट पर जाना होगा, paperhacker.online वेबसाइट पर आपको फ्री में नोट्स मिलते हैं, कुछ इस तरीके का नोट्स मिलेगा। नीचे साइट में आपको एक थोड़ी देर में आपको एक एप्लीकेशन डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा, इंस्टॉल करने का, तो इंस्टॉल पर टच कर लेना डाउनलोड हो जाएगा, या फिर मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। देखिए यहाँ से पैन कार्ड, आधार कार्ड, आयुष्मान कार्ड और प्रधानमंत्री की जितनी योजनाएं निकलती हैं वो यहाँ से आप देख सकते हैं। जो भी जॉब निकलती है वो आप यहाँ से सारे जॉब के फॉर्म फिल कर सकते हैं, एंड उसके बाद में आप एडमिशन कौन सा चल रहा है आप वो भी देख सकते हैं, और यहाँ से आप अपने न्यूज़पेपर देख सकते हैं, CCC की सारे चीज़ें देख सकते हैं, आर्मी की जो जॉब चल रही है प्रेजेंट में कौन कौन सी चल रही है वो सब आर्मी की जॉब आपको यहाँ मिल जाती है। यदि आप MJP अरुलखंड यूनिवर्सिटी बरेली से हैं तो यहाँ पर टच ज़रूर करके अपना MJP RU का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो वहाँ पर आप जो भी नोटिफिकेशन आता है वो सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से आप नोट्सों को डाउनलोड कर सकते हैं, जैसे कि आप BSc 5 सेमेस्टर में हैं तो जूलॉजी बॉटनी केमिस्ट्री के सारे नोट्स मैंने यहाँ प्रोवाइड करा रखे हैं, तो आप नोट्सों को डाउनलोड कर लेना। ये जो है वो नोट्स वो इंग्लिश में है, ठीक है, इसको मैं क्या करूँगा हिंदी में प्रोवाइड करा दूंगा। आप स्टूडेंट कह रहे थे हिंदी में भी होना चाहिए, तो मैंने हिंदी में PDF को बनवा रहा हूँ स्टूडेंट बोल करके, किसी लड़के से काम करा रहा हूँ, और वो जब PDF कंप्लीट हो जाएंगे तो मैं आपको यहाँ ऐड कर दूंगा। बाकी ये जो अभी आप देख सकते हैं पढ़ सकते हैं इंग्लिश में होंगे PDF, और कुछ हिंदी में भी होंगी, आप एक बार चेक कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ से आप BA BSc BCOM UP पुलिस BEd D Pharma B Pharma की सारी बुक आपको यहाँ से मिल जाती हैं, एक बार आप चेक कर लीजिए, थोड़ा वेट करिए डाउनलोड हो जाएगा, फिर आराम से पढ़ सकते हैं। और इनको डाउनलोड करना चाहते हैं तो बाई कर सकते हैं, इनको बाई करने के लिए paperhacker.in पर जाना होगा, ये paperhacker.online है, ठीक है, हमारी दो वेबसाइट है, दोनों वेबसाइट पर आप विजिट करके एक बार देख लीजिए। चलो स्टार्टिंग करते हैं। देखिए ये क्या है, हमने कहा कि BSc 5 सेमेस्टर के बॉटनी के फर्स्ट सेमेस्टर के बारे में बात करेंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से हैं बॉटनी का फर्स्ट पेपर में, तो चलो स्टार्टिंग करते हैं। और पहला हमारा क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को हम बात करेंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, फालतू क्वेश्चनों पर हम ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि हमने एक्स्ट्रा भी यहाँ क्वेश्चन लिख रखे हैं। तो पहले तो आपको याद रखना है वाटर, मतलब कि जल के भौतिक गुण, याद रखना कि जल के गुण तो आपसे एग्जामर पूछता ही पूछता है कि जल के गुण क्या है, कौन कौन से प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में, ठीक है, ये पहला क्वेश्चन बनता है। एक बनता है प्राशण दाब क्या होते हैं, इसके महत्व प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ये क्वेश्चन देखना है, ठीक है। उसके बाद में आता है पादप कोशिका को पढ़ लेना, पादप कोशिका जो होती है वो कैसी दिखाई देती है। बाष्प उत्सर्जन और बिंदु स्राव में अंतर आपसे पूछता है, बाष्प उत्सर्जन के कितने प्रकार होते हैं और इसे कौन कौन प्रभावित कर सकता है, मतलब प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ठीक है, बाष्पोत्सर्जन को। उसके बाद में एक आता है रंध्र की संरचना, देखिए
मूल दाब इन सभी को छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे हम जाते हैं, उसके बाद में आता है नेक्स्ट, खनिज तत्व क्या होते हैं और इनके कार्य क्या हैं। देखिए क्वेश्चन बहुत मैंने लिखे हैं इसमें, बहुत सारे क्वेश्चनों को एक्स्ट्रा लिख लेता हूँ ताकि मैं उसमें से छांट के आपको बता सकूँ। तो आपको मैं जो बॉक्स में बंद कर रहा हूँ वही क्वेश्चनों को आपको देखना है, बाकी किसी क्वेश्चनों पर ध्यान देने की आवश्यकता नहीं है आपको, ठीक है। तो खनिज तत्व क्या है और उनके कार्य क्या है आपको ये देखना है। उसके बाद में एक आता है सूक्ष्म तत्व की विशेषता भूमिका, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं उनकी क्या विशिष्ट भूमिका क्या होती है उनके बारे में आपको देखना है, भूमिकाओं के बारे में याद करना है। और खनिज अल्प मतलब कि अल्पता कमी के प्रमुख रोग कौन कौन से होते हैं, यदि पौधे में खनिज तत्व की कमी हो जाती है तो उसमें कौन कौन से रोग हो जाते हैं, ये क्वेश्चन आपको देखना है, बाकी सब इनको छोड़ देना है। स्थानांतरण को आपको याद करना है, स्थानांतरण क्या होती है और इसके मार्ग और क्रिया विधि को देखना है स्थानांतरण के, ठीक है। उसके बाद में आता है श्वसन क्रिया विधि के बारे में पॉइंट करना है, श्वसन क्रिया विधि क्या है। क्रेफ्ट चक्र क्या है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, जिसे हम क्रेफ्ट चक्र बोलते हैं, बहुत ज्यादा पूछा जाता है, इसको आप याद करिएगा, ठीक है। और श्वसन क्रिया विधि के बारे में याद करना है। एक होता है वायवीय श्वसन, एक होता है अवायवीय श्वसन और एवं किण्वन, इनमें आपको अंतर देखना है, वायवीय श्वसन, अवायवीय श्वसन और किण्वन में आपको अंतर देखना है, ठीक है। उसके बाद में एक अमीनो अम्ल का संश्लेषण कैसे होता है, ये पॉइंट आपको नोट करना है, अमीनो अम्ल का संश्लेषण कैसे होता है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है। और उसके बाद में आपका क्वेश्चन बनता है एक लिपिड्स के महत्व के बारे में याद करेंगे, लिपिड्स के महत्व क्या है, ठीक है। ये सारे नोट्स हम आपको बुक भी दे देंगे, इसकी बुक जो है बहुत सारे स्टूडेंट बुक से भी पढ़ना पसंद करते हैं, तो बुक भी आप डाउनलोड कर पाएंगे, ठीक है। तो आपको कहीं से शॉप से खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यहाँ आपको सब कुछ मिलने वाला है फ्री में, और यदि आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो डाउनलोड भी कर पाएंगे। यहाँ कह रहा है बसा, देखिए यहाँ कह रहा है बसा बसा अम्लों के संश्लेषण कैसे होता है, आप तो ये भी क्वेश्चन को आप याद कर लेना एक बार, ठीक है। ग्लिसरॉल से ऑक्सीकरण, इसको भी छोड़ देना, अवशोषण, ठीक है। एक बार ये क्वेश्चन आपको याद करना है, प्रकाश संश्लेषण का महत्व क्या होता है और उसकी क्रिया विधि क्या है, एंड कार्य विधि और क्रिया विधि दोनों को पढ़ लेना, ठीक है, प्रकाश संश्लेषण, ठीक है। उसके बाद में आता है दो इमर्सन प्रभाव, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इमर्सन प्रभाव जिसे बोलते हैं इफेक्ट, इमर्सन इफेक्ट बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे। हैच स्केल्प चक्र जो आता है ये भी आपके लिए काफी इंपोर्टेंट है, आप इसको पढ़ेंगे। अब नीचे उसके बाद में जाते हैं तो एक क्वेश्चन आपसे पूछता है पादप हार्मोन्स, कुछ ऐसे हार्मोन्स होते हैं जो पादप को मतलब जो पौधे होते हैं, पादप को पौधे भी बोलते हैं या पेड़ कह सकते हैं, उसको ग्रोथ करने का काम करते हैं, जैसे कि ऑक्सीनस हो गया, जिब्रेलिसियन हो गया एंड इथाइलिन हो गया, ठीक है, या फिर एब्सरिक एम्ल हो गया। ये यदि हम देखो जेवरिलेशन की जो, यदि हम किसी पौधे पर स्प्रे कर देते हैं तो उसका जो पौधे का जो फल होता है वो अचानक मोटा होने लगता है, ठीक है, हेल्दी हो जाता है, फूल जाता है। तो इन चीजों को क्या है, ये पादप हार्मोन्स होते हैं जो पौधे को ग्रोथ प्रदान करते हैं, तो इनके बारे में इथाइलिन हो गया, ऑक्सीनस हो गया, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है थोड़ा थोड़ा, ठीक है। पादप हार्मोन्स काफी इंपोर्टेंट है। उसके बाद में पौधों में नियंत्रण किस तरीके से किया जाता है, पौधों में नियंत्रण सभ्यम, ठीक है, उसके बारे में एक बार पढ़ लेना। एक आता है दीप्तकालिता पर टिप्पणी, मोस्ट इंपोर्टेंट है, दीप्तकालिता पर टिप्पणी आप पढ़ेंगे, ठीक है। उसके बाद में सब कुछ यहाँ छोड़ना है, कुछ नहीं पढ़ना है। एक होता है पुष्प विकास का अनुवंशिक नियम, ये देखिए पुष्प विकास का अनुवंशिक नियम को आपको पढ़ना है, काफी इंपोर्टेंट है, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनता है। और पुष्पन का नियंत्रण कैसे करते हैं ये भी क्वेश्चन को आपको देखना है, ये दो क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। हम नीचे जाते हैं बीज अंकुरण के लिए, देखिए बीज अंकुरण कार की क्या होती है और बीज अंकुरण के कितने प्रकार हैं, किस तरीके से बीज को अंकुरित किया जाता है आपको ये पढ़ना है। फोटो मॉर्फोलोजिस पर टिप्पणी आपको देखनी है, ये भी काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट है। आप ये मत सोचिए कि लॉन्ग कौन सा होगा, शॉर्ट कौन सा होगा, ये छोड़ दीजिए, आपको इन क्वेश्चनों में अपने बुक नोट्स गैस पेपर है तो आप उससे तैयारी करिए, यदि नहीं है तो पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन वेबसाइट पर जाकर के एक बार अपने फ्री में नोट्सों को देखिए कैसे हैं, और यदि आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके बराबर में डाउनलोड का बटन होगा, आप डाउनलोड कर लीजिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, हमारी उस वेबसाइट का मैंने पूरा एप्लीकेशन बना दिया है,
ताकि अपने फ़ोन में आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करके कभी भी उसको देख पाएं। आपको क्रोम पर जाने की जरूरत नहीं है, पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। पेपर हैकर डॉट इन पर आप इंपोर्टेंट क्वेश्चनों जो हम देते हैं उनकी प्लेलिस्ट का लिंक आपको प्रोवाइड हो जाता है, तो आप वहां पर टच करके प्लेलिस्ट भी मॉडिफिकेशन देख सकते हैं, मतलब उसको सर्च कर सकते हैं। उसके बाद में देखो, ये मैंने प्रदुप्ति ऊपर देखा था, अब उसके बाद में एक आता है कह सकते हैं वसनीकरण क्या होता है। तो वसंतीकरण से बोलते हैं इसका उसका कह सकते हैं उद्दीपन कैसे हुआ है और उसकी क्रिया विधि के बारे में आपको देखना है, ठीक है। और जड़ता क्या होती है, उसके प्रकार कितने हैं, कार्य विधि क्या है, ये क्वेश्चन आपको देखना है। कार्बोहाइड्रेट्स पर एक टिप्पणी आती है लिखने के लिए, वो कितने प्रकार के होते हैं। मोनोसैकेराइड्स एक कार्बोहाइड्रेट्स का ही एक टाइप है, तो आप वो पढ़ ही लेंगे, ठीक है। पॉलीसैकेराइड्स हो गया, ऑलिगोसैकेराइड्स हो गया और हाइड्रोसैकेराइड्स हो गया, ये प्रकार जब आप पढ़ेंगे तो वहाँ आपको देखने को मिलेगा, तो इनको आप अच्छी तरीके से याद कर लेना है। उसके बाद में एक लिपिड्स का क्वेश्चन जरूर बनता है, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन के बारे में, गुण कार्य के बारे में, ठीक है। प्रोटीन से रिलेटेड एक क्वेश्चन बनता है आपका, प्रोटीन्स क्या होते हैं, प्रोटीन्स की संरचनाकार बताइए। डीएनए आरएनए में प्रकार आपके डीएनए आरएनए के प्रकार, डीएनए के प्रकार क्या है और उनमें अंतर पूछ लेता है। एंजाइम क्या होते हैं, एंजाइम के प्रकार के बारे में, आइसो एंजाइम आपको इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट है, आइसो एंजाइम को पढ़ लेना। एक को एंजाइम भी आता है लेकिन आपका ये सिलेबस में को एंजाइम नहीं दिया लगा, लेकिन एंजाइम के जब प्रकार पढ़ेंगे तो वहां को एंजाइम आइसो एंजाइम दोनों देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो और एक आता है पुनः प्रतिकरण क्या होता है, इसके बारे में, प्रकृतिकरण जिसे पुनः प्रतिकरण बोलते हैं, ठीक है, इसको भी आपको देख लेना है। एंटीऑक्सीडेंट्स के बारे में भी यहाँ पे एक बार पढ़ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन थे जो आपके काफी इंपॉर्टेंट थे फर्स्ट पेपर के लिए। 2023 में आने वाले क्वेश्चन है जो आपका भी हाल ही में पेपर होगा, किसी किसी यूनिवर्सिटी में 2024 में भी ये पेपर होगा, तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको इन क्वेश्चनों को अच्छी तरीके से तैयारी करनी है और नोट्स और गेस्ट पेपर मैंने दोनों आपको पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन वेबसाइट पर अपलोड कर दिए हैं, आप आसानी से पढ़ सकते हैं। थोड़ा वेट करना है, डाउनलोड हो जाएगा और फुल स्क्रीन पर आप पढ़ पाएंगे, वो भी फ्री में। और यदि आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसके बराबर में एक डाउनलोड का बटन होगा, आप डाउनलोड पर टच करके डाउनलोड कर पाएंगे, तो कोई भी समस्या नहीं आने वाली है आपके सामने। तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे ज़रूर बात करना। और बाकी मेरा नंबर भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स मिल जाएगा, या फिर आप नोट कर सकते हैं 7037327838, ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझे मैसेज करिए, मैं इस लिंक का रिप्लाई कर मतलब आपको लिंक भेज दूंगा, रिप्लाई करूंगा, ठीक है। और जब रिप्लाई करूंगा तो आपको लिंक भेज दूंगा, उन लिंकों पर टच करके एप्लीकेशंस को डाउनलोड कर लेना ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो और आसानी पूर्वक से आप सभी चीज़ों को देख पाएं। और अपनी जॉब जो निकलती है, सरकारी जॉब वगैरह है, वो सारी जॉब हमारी पेपर हैकर डॉट ऑनलाइन वेबसाइट पर, और वहीं पर हम नोट्स भी प्रोवाइड करा देते हैं आपको, तो इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, कौन सी नौकरी निकली है, क्या चल रहा है, ठीक है। आपको आयुष्मान कार्ड डाउनलोड करना है, आधार कार्ड डाउनलोड करना है, पैन कार्ड डाउनलोड करना है, सब कुछ सुविधा वहाँ दे रखी है। किसको कौन सी शिकायत करनी है तो शिकायत भी आप कर सकते हैं, मुख्यमंत्री को शिकायत करनी है तो वो सारे के सारे मैं बटन वहाँ मेंशन कर दूंगा, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर लेना, बाकी भी लेंगे नेक्स्ट, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।